में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे मानसून स्पेशल पकौड़े, वो भी बिहारी स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में हम लोग दो तरह के पकौड़े तैयार कर लेंगे, तो फिर देर किस बात की। चलिए चलते हैं कविता की रसोई में और बनाना शुरू करते हैं पकौड़े। चना दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप चना के दाल को भिगने के लिए रख दिया था 3-4 घंटा पहले। ये अच्छी तरह से फूल चुका है, अब इसका पानी छान लिए हैं। अब इसको दरदरा इसको ग्राइंड कर लेंगे। और प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 3 प्याज को लंबा लंबा काट के ऐसे ऐसे कर दिया है जिससे इसका परत निकल जाए। 2-3 लहसुन की कली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, धनिया पत्ता को बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा प्याज को भी महीन चॉप कर लिया है, हरा मिर्च को बारीक काट लिया है। और मसाला में लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा जीरा है, अजवाइन है, मंगरेला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है। कुरकुरा बनाने के लिए चावल का आटा है और बेसन है प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए। चना दाल को ग्राइंडिंग जार में रख दिया है और उसमें 2-3 लहसुन की कली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और थोड़ा ही सा पानी इसमें मिलाएंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। चना दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब इसको एक कटोरा में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे जो बारीक चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मसाला अब डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम थोड़ा ही सा मंगरेला भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने इसको बड़ा बोल में डाल दिया है जो मिलाने में बनेगा। और प्याज के पकौड़ा बनाने के लिए 1 कटोरा प्याज रख देंगे। प्याज इसमें ज़्यादा पड़ता है, बेसन बहुत ही कम पड़ता है। हरा मिर्च रख देंगे, धनिया पत्ता रख देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला। अब बेसन इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, एक बार में ही सभी बेसन नहीं रखेंगे। इसमें थोड़ा सा बेसन रखेंगे, फिर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें थोड़ा सा और बेसन डालेंगे, पकड़ नहीं रहा है, और चावल का आटा मिला देंगे। चावल का आटा डालने से बहुत ही कुरकुरा बनता है, इसे आप बस डालिएगा। अब थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर मिलाकर देखते हैं। चावल का आटा नहीं हो तो थोड़ा सा सूजी मिला सकते हैं। देखिए अब अच्छी तरह से हो चुका है, अब इसको हम बना सकते हैं। अब बेसन इसमें कम ही पड़ता है तभी अच्छा लगता है। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया था और उसमें तेल भी डाल दिया था। सरसों का तेल में बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गर्म होने के लिए रख दिया था, देखे गर्म हुआ है कि नहीं। यह अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा डालकर देखते हैं। हाँ, यह अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़ा डालेंगे। आप चाहे जिस शेप में चाहे बना सकते हैं, गोला, चाहे थोड़ा सा चिकटा, जिस तरह का मन हो। पकौड़े को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको थोड़ा देर पकने देंगे, तब उल्टेंगे इसको। अब यह एक तरफ से पक चुका है, अब इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट लगता है। फ्लेम को हाई से थोड़ा कम रखेंगे, सारे पकौड़े को इसी तरह पलट देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह गोल्डन ना हो जाए, इसको उलटते पलटते रहेंगे। अब यह गोल्डन कलर का हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर, इसको निकाल लेते हैं।
तरह बाकी के पकौड़े भी तल लेंगे। प्याज के पकौड़े में फ्रेंड्स एक चम्मच गरम तेल डाल देंगे, इससे पकौड़े बहुत ही कुरकुरा बनता है, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और प्याज के पकौड़े बना लेते हैं, इसको कढ़ाई में डालेंगे। अब एक तरफ से सिक चुका है, अब इसको पलट देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। अब ये गोल्डन कलर का हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम करारा बना हुआ है। आप इसे बस बनाइएगा, बरसात का मौसम है, खाकर आनंद ही आ जाएगा। इसी तरह बाकी के पकौड़े भी तल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। इसके रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, आज भी कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा जीरा मिला देंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, दो हरा मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा दही डाल देंगे, थोड़ा सा चीनी भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, चाहे तो आप इमली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, एक चना दाल का और प्याज का, कितना जल्दी बन गया, कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए। आप लोग इसे अवश्य बनाइएगा, शाम में चाय के साथ अगर दीजिएगा तो सबको बहुत ही पसंद करेंगे। खाना के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। यह ऐसा स्नैक्स है, जब भी चाहे, जब दिल चाहे आप बनाइए और सबको दीजिए, सब कोई तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। अभी तो बरसात का मौसम है, इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।